बोलने में भी मक्कारी फिरंगियों। भगवान, काश झांसी को ऐसी रानी मिल जाए। गुस्ताखी माफ कीजिएगा हुजूर, चौसर में आप हमसे नहीं जीत सकते। हम हारते भी हैं तो जीतने के लिए मोटिवेट। कहा है वो ब्लडी छोकरी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जॉर्ज, हम उसे बाद में निपट लेंगे, अभियान निकट चलने में ही समझ जा रही है। अरे अरे अरे, ये तो भाग रहे हैं। अरे सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भाग रहे तुम लोगों ने लगाई थी और तुम हार चुके हो। So what? हट जाओ रास्ते से। नहीं। You bloody Indian! Yeah! श्रीमान साहेब, जाने दीजिए इन फिरंगियों को। ताता गुरु, जो खेल हमने कभी खेला ही नहीं, उस खेल में हमारी मनु ने इन फिरंगियों को हराया है। शर्त ये थी कि अगर ये हार जाएंगे तो ये हमारी। रहने दीजिए श्रीमान साहेब, इनकी ये पुरानी आदत है, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जाओ फिरंगियों, जाओ। नहीं ताते गुरु, इन लोगों ने हमारे बूढ़े बाबा की पगड़ी उछाली है और फिर अपने ही खेल में शर्त लगाई, लेकिन जीते हम। अब इन्हें शर्त के मुताबिक हमारे बाबा से माफी मांगनी होगी और अपने ही हाथों से वही पगड़ी उनके सर पर रखनी होगी। हाँ, रखनी पड़ेगी पगड़ी, पगड़ी रखो, पगड़ी रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, रखनी। आपके प्रशंसक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि आप हमारी नाट्यशाला में शामिल हो जाएं और हमारे अगले नाटक में शकुंतला की मुख्य भूमिका निभाएं। हुजूर, इस नाचीज को सोचने का मौका तो दीजिए। हमारी तरफ से आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। कोई भी अपनी जगह से हिलने का नहीं। बताओ कौन थी वो छोकरी? ये तो हम नहीं जाना साहेब की वो कौन थी। बोला चून थी, उस टाइम साक्षात दुर्गा मैया का रूप धरे। शट अप! देखो कितनी बुरी तरह से घायल किया है मन्नू को। इसके घाव तो भर जाएंगे जाऊ भाई, लेकिन इसके कारण उन गोरों को जो घाव मिले हैं वो नासूर बनकर हमें बर्बाद कर देंगे। मनु ने तो गर्व से हमारा सर ऊंचा कर दिया। सर ऊंचा नहीं कर दिया, बल्कि समस्याएं और बढ़ा दी है श्रीमंत सरकार। हम यहाँ इंदु का रिश्ता तय करने आए थे, अब देखना इन धूर्त गोरों की आफत टूटेगी हम पर भी और यहाँ की भोली जनता पर भी।